जी बिल्कुल, देखें हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों के बाद शोबा ज़राअत जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। गंदम की काश्त का सीज़न करीब आते ही मुनाफा खोर जो हैं वो मुतारिक हो गए हैं और मार्केट से अंदर यूरिया खाद जो है वो गायब होना शुरू हो गई है और DAP खाद भी गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से काश्तकारों को भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इससे गंदम की काश्त जो है वो भी शदीद मुतासर होगी। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए किसान इत्तेहाद के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खाद अभी से ब्लैक होना शुरू हो गई है और जिस आदमी को DAP चाहिए वो इसकी शर्त है कि नाल इसके जो यूरिया वो भी लें, जब यूरिया की इस वक्त ज़रूरत भी नहीं है ना के हुक्मरान हैं वो बस कुर्सी के पीछे पड़े एक दूसरे के तहवत के, कोई किसके पीछे को किसके, ज़िम्मेदार जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो एक ज़राअत का तो बिल्कुल ऐसे है कि ये मुआशी कत्ल हो चुका है ना जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी कि उनका कहना है कि ये मार्केट के अंदर जो नजायज़ मुनाफा खोरी हो रही है इसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, ना तो ज़िलाई इंतजामिया इस तरह तवज्जो दे रही है और ना ही हुक्मरान तवज्जो दे रहे हैं। सब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो काश्तकार हैं उनको शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और काश्तकारों ने यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाली जो गंदम की फसल है अगर इसी तरह खाद का बहरान रहा तो उसकी काश्त भी शदीद मुतासर होगी, जिसकी वजह से मुल्क ज़र मुबादला में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी।